भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल भी मैंने बताया था, ये कलेक्शन हमारी एकेडमी में सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये जो कलेक्शन हो रहा है ना, ये आपकी एकेडमी में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये इसके ऊपर जो है ताली होना चाहिए ना कम से कम। और ये कोई शॉर्टकट में नहीं मिल रहा, ये जो गेट पास की जो कलेक्शन हो रही है सबसे ज्यादा भोजपुर फिजिकल एकेडमी में, तो इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ बच्चों को, जैसे हमारे पास बच्चे कल भी हम बताए थे कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, इनको धीरे 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 इनको दौड़ना सिखाए, इनको धीरे धीरे फाड़ना सिखाए, एक दिन नहीं किए कि इनको स्पीड बना दिए, तो ये सब धीरे धीरे प्रक्रिया हुआ। हमारा एक ही मकसद होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराएं, इनको मेहनत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और इनकी मेहनत का फल ये है कि ये गेट पास लेके आ रहे हैं। और ये गेट पास लेके किस तरीके से आए हमारी एकेडमी में, ये खुद हमारे सुमित बाबू बताएंगे कि आखिरकार इनको गेट पास मिला, वो भी सार्जेंट का। सुमित कुमार सिंह नाम है इनका। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर इनका नाम सुमित कुमार सिंह नाम है इनका, वीडियो में हमेशा जिंदा रहेंगे ये, और ऐसे भी अपने घर पे भी रहेंगे और हमेशा आपको याद करते रहेंगे, आप लोग याद करते रहना। तो सुमित कुमार सिंह खुद बताएंगे कि आखिरकार इनको सार्जन का ये टिकट इस एकेडमी में आने से मिला या नहीं, मतलब इस एकेडमी से कोई इनको मतलब नहीं है, बताइए आप। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि कल मेरा सूरज छाव को दरोगा एसआई का फिजिकल था, उसमें मैं सार्जेंट क्लियर किया हूँ। ये सब मेरी बाबा गुरु जी का है, क्योंकि मैं मुश्किल से 25 दिन से एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और हार्डली 16-17 दिन वर्क किया हूँ गुरु जी के, लेकिन जितना गुरु जी कराए हैं मतलब पूरा एकदम एफर्ट लगा के पूरा फल्टू मारते थे, पूरा शरीर डंडा बरसाते थे। मेरा गोला 20 फीट नहीं होता था, लेकिन लास्ट 15 तारीख को जब हम वहाँ से मतलब आए तो सर बताएं कि गोला एकदम लास्ट बता रहे हैं कैसे फेंकना है, और मेरा वो टेक्निक काम करके हम 20 फीट गोला फेंके वहाँ पे। जब यहाँ पे हम आए थे तो मेरा 3-8, 3-10 सीजर मेरा क्लियर होता था, लेकिन वहाँ पे 4-6 फर्स्ट अटेम्प्ट में मार के आए हैं वहाँ पे। अरे क्या बात है, फर्स्ट मतलब पूरा मेरा पाँच मेरा दौड़ मेरा पिछला बिहार पुलिस में हम छट गए थे, क्योंकि हम मेरा वहाँ पे 6:45 टाइमिंग लगा था बिहार पुलिस में, और यहाँ पे हम दरोगा के लिए 5:58 मार गए। क्या बात है, ये सब गुरु जी का मेरे कृपा है कि हम मतलब यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। 90 दिन आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमको 90 दिन मौका दीजिए। आप नए लड़के हैं, पुराने लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी, आप हमको 90 दिन मौका दीजिए, हम आपको रनिंग इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे। अगर आपका 90 दिन में नहीं होता है तो आप जितना भी पेमेंट मुझे देते हो उसे दोगुना पेमेंट मेरे से लेके चले जाना, ये मेरा खुला आपसे चैलेंज है। वो भी जो देते हो उसे हम डबल दे देंगे। तो इसलिए हम इनको बधाई देते हैं कि आप सार्जेंट क्लियर करके आए, और काफ़ी खुशी हुआ कि आप कभी दरोगा के लिए ट्राई कर रहे थे और आज सार्जेंट क्लियर करके आए। तो चलिए एक बार जोर से इनको ताली से स्वागत करो। दोस्तों मैं हवलदार चंदन पांडे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ, और ये जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। इसके ऊपर इसलिए अधिकार है कि अभी सुमित दोनों सुमित थे, देखो सुमित की जोड़ी हमारे पास थी। हमारी एकेडमी में आप अगर पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, पूरा एक खाका निकाल के देखेंगे कि हमारे पास कितने बच्चे आए और उसमें से कितने मैक्सिमम उन्होंने क्या किया है, आप भीड़ को देख के या शॉर्ट वो जो बोलते ना कि हाथी का दो दांत होता है खाने का दिखाने का, तो दिखावे वाले पे मत जाइए। और एक बारिश दो टाइप का होता है, एक सीसी वाला बारिश होता है, एक बूंदाबांदी मोटा बूंदा वाला होता है। तो मोटा बूंदा वाला जो बारिश होता है वो क्षण भर के लिए होता है, और सीसी का बारिश आएगा ना बहुत दिनों तक रुकता है। तो ये सीसी की बारिश की तरह इनको हम संभाल कर रखें। अब किसी बच्चे से मेरे पूछ सकते हो कि ना इनके पैरों में दर्द हुआ, ना इनको किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको हमने उसके हिसाब से सेट किया। इनको मुझे पता था, इनको मैं अगर 5 डाउन या 5:20 डाउन या 5:40 डाउन वालों का अगर मैं साथ लगा देता तो ये कवर के फेंका जाते, दूसरे तीसरे दिन लगते अपना घुटना पकड़ के। हाँ दर्द हुआ, दर्द वो वाला दर्द नहीं हुआ जो बाकी जगहों पे हुआ है दर्द। मैं बच्चों को बिल्कुल संभाल के 10-15 दिन इनको वार्म अप कराया, उसके बाद फिर इनको धीरे धीरे रनिंग और तेज कराना शुरू किया। तब उसका नतीजा हुआ कि ये गेट पास, वो भी सार्जेंट का गेट पास, ये दोनों आए हैं मेरे पास लेके, ये सार्जेंट का गेट पास लेके आए हैं। साजन मतलब समझ रहे कि मेरिट लिस्ट पक्की, डबल स्टार पक्का। मेहनत एक दिन में बाबू नहीं मिलता, मेहनत शॉर्टकट में नहीं मिलता, शॉर्टकट में मेहनत नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती है।
मेहनत भी आप शॉर्टकट पे करेंगे तो सफलता की आप गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने पूरा किया। डंडा भी मेरा खाया, क्योंकि उम्र भी ये मेरे से बड़े नहीं है, तो मैं डंडा मारने का पूरा अधिकारी हूँ। मैं तो अपने पास होमगार्ड के जो जितने विद्यार्थी थे 2011 के बैच वाले, उनको भी मैंने पीटा हूँ। और यही नतीजा था कि होमगार्ड में भी यहाँ पर अगर जितनी एकेडमियाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरी एकेडमी के थे। परसेंटेज देखिए, 18 लड़के थे मेरे पास, 18 लड़के में से अभी तक मात्र 3 लड़के छटे हैं, एक कल एक एक हाइट में छट गया, 4 लड़के छटे हैं, बाकी सब के सब क्वालिफाई। अभी एक लड़का और आया था, कहाँ चला गया? अरे इधर आ जा भैया, अरे इधर आ जा यार, वीडियो पूछ कर शुरू कर दे। तो इसे ये है, इनके नाम से भी जो है ताली मार दो। तो ये भी गेट पास, ये लड़का खुद बताएंगे। सुमित के तो आप लोग थोड़ी देर पहले सुनी लिए थे, दोनों खुद बताएंगे कि आखिरकार इनको जो देखो मेरी बातें हो सकती है छड़मड़ के लिए आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि मेरा अब मैं इनको थोड़े बोलूंगा, इनको तो मैं गला लगाऊंगा, प्यार से बात करूंगा, हाँ उस समय नहीं करता हूँ। एक अच्छा ट्रेनर वही है जो ट्रेनिंग देते समय, जो एक टीचर क्लास टीचर वही अच्छा है जो क्लास में पढ़ाते समय आपसे बुरे से बात करे, आपसे अच्छे से बात नहीं करे, प्यार से बात नहीं करे, वही एक सच्चा टीचर होता है। हमने ट्रेनिंग लिया है, हमने ट्रेनिंग दिया है, अभी भी मैं वही कार्य कर रहा हूँ। तो मैं उनको एकदम पुचकार के रखता तो हो सकता है ये क्लियर करके नहीं आता। ये अपनी गाथा खुद बताएंगे कि इन्होंने सार्जेंट कैसे क्लियर किया, इन्होंने दरोगा कैसे क्लियर किया, और इतने कम समय में। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केवल यहाँ मेरिट, तो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए खोले एकेडमी भाई, हमको क्या और क्या कराना इनसे, इनका मेरिट लिस्ट आएगा तभी ना इनको वर्दी मिलेगा। तो सुमित आप बताइए कि आखिरकार इस एकेडमी से क्या फायदा हुआ आपको? बहुत सारे बच्चे दूसरी एकेडमियों में जाके पैसे भी लुटा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। आप दवाई तो नहीं खाते मेरे बच्चे? एक चीज मैं और बताना चाहूंगा ना, मैं बच्चों से जो फीस है, जो मेरा 200 रुपया चार्ज है मंथली, उसके अलावा मैं इनसे कुछ पैसा लिया हूँ तो मैं यहीं पर अपना सर कटा कर रख दूंगा, ठीक है? मैं अपना गर्दन कटा कर, अगर कोई बच्चा बोल दिया कि सर ने उसके अलावा कोई पैसा लिया है, लेकिन कहीं पर तो टारगेट लिया जाता है कि आपसे कैसे भी 4 से 5 हजार रुपया तकादा लेना है, लेकिन ये बच्चे बताएंगे कि इनसे जो फीस 200 रुपये इनके चार्ज इसलिए रखा हूँ कि ये रेगुलेटरी रह सके, उसके अलावा कोई मैंने इनसे पैसा लिया है तो मेरा गर्दन आपका तलवार, मेरा गर्दन कभी भी आप उड़ा सकते हैं। तो ये बताएंगे अपने कि इनको कामयाबी कैसे मिले। सुमित बताइए। पहले मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जब यहाँ पे हम रनिंग करते थे तो मेरा 6-6 का टाइमिंग था, 6-10 मई को मैं यहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पे जब हम गए तो मेरा 5:59 टाइमिंग लगा। रनिंग के बाद वहाँ पे गोला फेंकना गया, 21 फीट गोला हम फेंकते, उसके बाद हाई जंप के लिए गए, एक बार में हाई जंप 4 फीट क्लियर कर लिए, उसके बाद 4-6 भी एक बार में क्लियर कर लिए। मेरा जितना अटेम्प्ट था एक बार में सब क्लियर होते गया। सर से हम बोलते थे कि सर मेरा सर्जेंट होगा नहीं, थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम था मेरा, बोले कि तुम सर्जेंट करके आओगे। अरे जो हमने बोला वो बच्चों ने किया और वो करके यहाँ शॉर्टकट में हम कुछ नहीं कराते हैं सुमित, हमने जिसको बोल दिया तुम करोगे तो तुम वो करके ही आओगे। जब मैंने बोल दिया कि तुम सार्जेंट मारोगे तो सार्जेंट मार के आए ना, ऐसे ही आप लोग देखे होंगे बिहार पुलिस में, जिस लड़की को मैंने बोल दिया तुम 3-8 करके आएगी, तुम 4 फीट करके आएगी, तो की लड़कियां वहां पे जाए। कुछ हमको भी अनुभव होता है बच्चों को देखे कि क्या करने वाला है। किसी भी मेडिसिन का यूज हम लोग नहीं किए थे, बिना मेडिसिन खाए गए थे वहां से। सर जस्ट हम गेट पास निकले तो वहां सर को कॉल किया, सर को कॉल किए थे, हम बताए कि सर मेरा सार्जेंट हो गया, और सर को बहुत बहुत थैंक्स। और आपने मेहनत किया ना, जितना हमने बोला आपने मेहनत किया। तो जो भी बच्चे इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के फिजिकल के रिगार्डिंग या CAPF अर्धसैनिक बल ITBP BSF CRPF या किसी भी तरह का फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, मुझे आप केवल 90 दिन दीजिए। अगर मैंने आपका रनिंग इम्प्रूवमेंट नहीं कराया तो जितना आप पैसा देंगे उससे हम आपको 5 गुना ज़्यादा पैसा आपका रिटर्निंग कर देंगे। ये मैं आपके गारंटी के साथ लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर मैंने आपका पैसा, जितना आप पैसा मुझे दीजिएगा उससे 5 गुना, लेकिन जितना मैं कराऊंगा उतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपका रनिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप मेरे से 5 गुना पैसा जाके ले लेना जितना आपने मुझे दिया है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है, मेरी अपनी क्षमता में पता है। तभी ये सर्जेंट ये दरोगा अब ये बताएंगे ये आपका दरोगा कैसे क्लियर हुआ और यहाँ आने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको, बताओ प्लीज। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे रनिंग करने आया था लगभग 1-1.5 महीने पहले, तो मतलब मेरे से लगभग 7 मिनट लग जाता था रनिंग करने में, लेकिन उसके बाद सर के ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा टाइमिंग भी कम होता गया, और कल मैं जाकर
6:30 के अंदर अपना जरूरत है टाइम क्लियर कर दिया। हाई जंप का? हाई जंप का सर 6:30-4:30 हो गया था, लेकिन लॉन्ग जंप में 7:30 क्लियर कर लिया। हाई जंप क्लियर हो गया था, लेकिन लॉन्ग जंप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए लॉन्ग जंप का 7:30 नहीं क्लियर हो गया। चलो अफसोस है मुझे, मुझे आशा था कि आप भी सर्जन, क्योंकि आपका जो पैर फेंकने का स्टाइल था हाई जंप में, मुझे आशा था कि वो कर ही लोगे। चलो अफसोस है, इस चीज़ का मुझे भी अफसोस रहेगा कि सर्जन का टिकट आप नहीं लेगा। कोई बात नहीं, आप दरोगा ही बनिएगा, ठीक है? अफसोस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फायदा मिलता है? लॉन्ग जंप का जो वहाँ पर जो अफसर था ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट था सर, इतना कभी पैर पड़ा था लाइट पर, तो मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर दे रहा था, इस कारण नहीं हो पाया और ज़्यादा चांस भी नहीं दिया लॉन्ग जंप के लिए। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ 3-3 और 18 तारीख को आप लोग समय निकाल के यहाँ पर आने का कष्ट करेंगे, अगर कहीं नहीं जाना है तो, और मुझे खुशी होगा। और जो आगे आपके बाद जो बच्चे आने वाले हैं, उनको भी काफ़ी आपसे इंप्रेशन मिलेगा, आपसे काफ़ी उनको सपोर्ट मिलेगा कि आप लोग यहाँ पर आए, उनको कुछ उनका कुछ टिप्स देंगे, जो बच्चियाँ हैं इनको भी कुछ आप टिप्स देंगे, इनको कैसे क्लियर करना है। बहुत सारी बच्चियाँ अभी सोच रही हैं, डरना नहीं, डरना नहीं। अभी कल भी मैंने बताया था, जब आए थे वो क्या नाम था उनका, अभिषेक आए थे, कौन आए थे, कल भी मैंने ये बताया था, डरना नहीं, बस बोला हमें कर लूँगा, मैं क्लियर कर लूँगा। वहाँ पर बस ईजी लगता है, यहाँ पर थोड़ा हार्ड लगता है, वहाँ पर बहुत ईजी लगता है। बोलते हैं कि एक सकारात्मक चीज आपको बहुत आगे ले जाती है, नकारात्मक चीज बहुत पीछे ले जाती है। वही तो बोल रहे थे, एक बार में मतलब कि हम ये वन टेक में फान गए वहाँ पर। चलिए, मैं इन तीनों को बधाई देता हूँ, इनका मेरिट लिस्ट आएगा और हम लोग पेट भर के मिठाई खाएंगे। मिठाई ना खा सकते हैं वो, हम मिठाई पेट भर के खाएंगे, ठीक है? और मिठाई घर पे भी जाना विचार के बाद। चलो, तो एक फोटो इनके साथ हो जाओ मेरा,